इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। यहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो चुका है। मंदिर निर्माण में नियम बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। राम जन्मभूमि न्यास को विवादित जमीन मिल चुकी है और इस पूरे मामले पर इंदौर से हमारे सहयोगी भरत बामने जी मौजूद है। भरत जी बताइए, क्या है वहाँ पर अभी माहौल इंदौर में राजवाड़ा पर? देखिए, राजवाड़ा की बात की जाए तो राजवाड़ा को चारों तरफ से सील कर दिया गया है। यहाँ पे भी कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं प्रवेश कर रहा है। पुलिस प्रशासन ने पहले ही कर दिया था कि ऐसे चार से ज़्यादा अगर व्यक्ति इकट्ठे होंगे तो उनसे कार्रवाई की जाएगी। धारा 144 लगी हुई है, इसको लेकर राजवाड़ा को चारों तरफ से सील कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर किसी को भी आने की अनुमति नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई आतिशबाजी कर सकता है या नारेबाजी कर सकता है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन काफ़ी तरह से मुस्तैद है यहाँ पर। भरत जी, कई दिनों से पुलिस प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर पुलिस के पैरे होने की अभी बात कही जा रही थी, तो अभी इस वक्त इंदौर में पुलिस की क्या व्यवस्था है? देखिए, बात की जाए पुलिस प्रशासन की तो पुलिस प्रशासन ने बम्बई बाजार हो या कमेटीपुरा हो या जितने भी जो क्षेत्र है संवेदनशील क्षेत्र है वहाँ पर बाहरी पुलिस बल लगा गया है और जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस बल का फ्लैग मार्च कर रहा है और सभी दूर पुलिस सभी को बोल रही है कि कोई भी आतिशबाजी नहीं करेगा, कोई भी इकट्ठा नहीं होगा। इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने काफ़ी मुस्तैद है यहाँ पर। और बात की जाए तो जब हमने धर्म समाज के हिंदू संगठन के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि जो भी फैसला आया वो सर्वमान्य और एक फैसला ऐसा है जो दोनों धर्म के लोगों को मानने के लिए तैयार है। हमने मुस्लिम समाज के लोगों से ही बात की, हिंदू संगठन के लोगों से ही बात की, तो इसी फैसले को लेकर सभी काफी खुश नजर आ रहे हैं। भरत जी, अभी इस वक्त अगर अपन मौके पे की बात करें इंदौर में ग्राउंड लेवल पे कौन कौन से पुलिस अधिकारी मौजूद होंगे अभी इंदौर में? देखिए, बात की जाए तो यहाँ पर जिला कलेक्टर साहब यहाँ पूरे निगरानी रखे हुए हैं। जगह चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं, उनसे निगरानी की जा रही है। अगर कोई भी आतिशबाजी या कुछ कर रहा है तो उन्होंने पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि किस तरह की आतिशबाजी न करे, किसी तरह का उत्साह ना बनाए। जो भी है वो अपने घर में ही बैठे रहे, वहीं पर ही उसी को लेकर जो जिस तरह से राजवाड़ा पर जो पुलिस फोर्स लगाया हुआ है, यहाँ पर एडिशनल SP, CSP साहब यहाँ पर मौजूद है। जगह चप्पे चप्पे पर फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। कोई भी बड़े राजनीतिक व्यक्ति या शख्सियत की कोई अभी बयान आया इस पूरे मामले पर? निश्चित ही सुमित्रा महाजन ने कहा है कि ये जो फैसला आया इसको दीपावली के तौर पर बनाएं, घर में अपने दिए जलाएं। इसी को लेकर हमने बात की जब शंकर लालवानी सांसद से, उन्होंने कहा है कि जो फैसला है वो निश्चित ही सभी के पक्ष में अच्छा फैसला आया है। जो मुस्लिम समाज है उनके लिए भी फैसला अच्छा है, हिंदू संगठन उनके लिए भी फैसला अच्छा है। उसको लेकर जो बात की जा रही थी कि जिस तरह से जो बात की गई है तो दोनों ही पक्ष इस फैसले से खुशी है। बहुत बहुत शुक्रिया भरत जी जानकारी के लिए आपका।